भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कि जहाँ पर जानवर नहीं काटे जाते, जहाँ इंसान काटा जाता है और इंसानियत की हत्या की जाती है। और ऐसा कोई कत्लखाना है हर शहर में है। पढ़ी लिखी महाजन कौम से लेकर पिछड़ी हुई जातियों तक है, पाप पनप रहा है। घर घर में बूचड़ खाने खुल रहे हैं। वह बूचड़ खाना यदि कोई है तो मादा भ्रूण हत्या का बूचड़ खाना है, गर्भपात का बूचड़ खाना है। स्लॉटर हाउस बन रहे हैं घर आजकल। मान्यवर ध्यान रखिए, चलता फिरता बूचड़ खाना, चलता फिरता कसाई घर, जहां पशुओं की निर्ममता से हत्या नहीं होती है बल्कि जीते जी इंसान के बच्चे का खुलेआम कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे क्लिनिकों की बाढ़ आ गई है देश में। एक डॉक्टर चंद रुपए के खातिर, चंद नोटों के खातिर मानवता का हत्यारा बन रहा है। वह जो डॉक्टर ये नियम लेता है कि मैं लोगों को जीवन दान दूंगा, एक शपथ उठाता है, न जाने नोटों के खातिर कैसी नीयत खराब होती है उसकी, कि जीवन देने वाला जीवन लेने को तैयार हो जाया करता है। डॉक्टर तो परमेश्वर हुआ करता है, वैद्य को तो परमात्मा कहा गया है, हकीमों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये मरती हुई मानवता को सांसें दिया करते हैं, ये तड़पती हुई जिंदगी को सुख और सुकून देने का काम किया करते हैं। डॉक्टर का धर्म होता है कि जीवन दान देना, जीवन लेना ये डॉक्टर का धर्म नहीं होता है। सफेद कोट पहनकर शपथ उठाते हो कि जिस पैसे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, जिस कार्य की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, मेरा धर्म और मेरा लक्ष्य है कि लोगों को जीवन देते रहूंगा, मैं टूटती सांसों को जीवन देते रहूंगा, मैं अंधेरी आंखों में रोशनी भरता रहूंगा। शायद एक डॉक्टर वो शपथ अपनी भूल जाता है। ध्यान रखिए, जीवन दान दीजिए। जीवन कैसे लेने लगे आप? चंद रुपयों के खातिर गर्भपात करना, चंद रुपयों के खातिर एवार्सन कर देना। बेरहमी से एक मानव को मार देना, मानव भ्रूण का कत्ल कर देना, बहुत बड़ा अपराध हुआ करता है। महाजन कौम में भी ये पाप पनप रहा है, पढ़े लिखे लोग भी ये पाप कर रहे हैं। एक आधुनिक पाप है ये गर्भपात। ध्यान, एक महिला मेरे पास आई, चार आंसू लुढ़काए। मैंने कहा क्या हुआ बहन, क्या तकलीफ है तुमको? उसने कहा महाराज, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, पति भी बहुत अच्छा है, किसी चीज की मुझे कमी नहीं है। तो मैंने कहा फिर रोती क्यों हो? बोले रोती इसलिए हूं कि मेरे पास लड़की है लेकिन लड़का नहीं है। मैंने कहा इसमें रोने की क्या जरूरत है? बोले एक लड़का तो होना चाहिए ना। मैंने कहा 21वीं सदी में जी रही हो, वही दकियानूसी पुराने ख्यालात की एक लड़का होना चाहिए। मैंने कहा क्या करेगी एक लड़का पैदा करके? बोले बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं, गया जमाना कि ये बाप बोले कि 14 वर्ष वनवास जाना है और बेटा हाथ जोड़ के चला जाए, बोल मत देना, अदालत तक घसीट के ले जाएगा तुमको, ध्यान रखना। गए वो राम जी के जमाने, गए वो दशरथ के जमाने। बेटा कब पड़ोसी बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती। एक बात ध्यान रखना, बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखती है, वो बेटा पास होकर भी माँ बाप का ध्यान नहीं रखा करता है। ध्यान रखिए, किस बेटे की चाहत में जीते हो तुम? मैंने कहा तू पगली हो गई है,
कहती है कि एक बेटा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं बेटा ना हो तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन जिसके घर में लड़की ना हो उसके घर में दुख की बात जरूर हुआ करती है। और एक बात याद रखिए, बेटा ना हो तो चिंता मत करना, लेकिन बेटी ना हो तो आदमी को जरूर चिंता करना चाहिए। एक बेटी बहुत हुआ करती है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिसके पास बेटी नहीं होती है उसके पास सीने में धड़कता हुआ दिल भी नहीं हुआ करता है। उसके हृदय में दिल नहीं वह पत्थर का हृदय हुआ करता है, पाषाण है वह। एक बेटी बहुत जरूरी है। एक बेटी अच्छे अच्छे के अहंकार को चुनौती दिया करती है। और जिनकी बेटियां नहीं है, बेटे ही बेटे हैं, बड़ी छाती चौड़ी करके चलते हैं कि हमें तो किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। झुकाने का काम करती है एक बेटी, वो बड़ों बड़ों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया करती है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपके घर में बेटा हो या ना हो, हर घर में एक लड़की जरूर होना चाहिए, एक बेटी हर घर में जरूर होना चाहिए। बेटी इंसानियत सिखाती है, बेटी झुककर जीना सिखाती है, बेटी हमारे अंदर मानवता को जन्म दिया करती है। एक बेटी घर में जरूर होना चाहिए, ध्यान रखिए। बोली महाराज कह तो सही रहे हो, तो इनका अब क्या दिक्कत है? बोले फिर भी एक वंश का अंश तो चाहिए। किस वंश के अंश की बात कर रहे? ऐसी मानसिकता लोगों ने बना ली है कि हमारे घर बेटा ना होगा तो हमारा वंश नहीं चलेगा। कोई जरूरी है कि बेटा हो जाए तो वंश चलेगा? इस गलत फहमी में, इस मुगालते में मत जीना कि बेटा वंश का दीपक ही बनकर आएगा। कभी कभी औलाद कुल दीपक नहीं बनती, कुल अंगार बनकर के भी पैदा हो जाया करती है, ध्यान रखना। जिस वंश और खानदान की तुम चिंता करते हो, एक औलाद उस खानदान का नाम मिट्टी में भी मिला दिया करती है। आप इस गलत फहमी में ना जिए कि बेटों से वंश चला करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे? बोलो, 100 थे ना। दूसरों की औलाद की बहुत गिनती मालूम रहती है तुमको, अपने घर में कितने चंगू मंगू हैं ये पता ही नहीं है, तो विचार करिए। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। बताओ ग्वालियर वालों, कौन सा हित साधा उनने अपनी खानदान का? 100 बेटों ने कौन सा बाप का नाम रोशन कर दिया? बोलिए, 100 बेटों ने कौन सी खानदान और पूर्वजों को यश कीर्ति दिला दी? गौरव जैसे 100 बेटे माँ बाप का कोई नाम रोशन नहीं करते हैं। रावण के कितने लड़के थे मालूम? कितने थे? 100,000। 100,000 पूत 125,000 नाती, तहां रावण घर दिया ना। किस औलाद की चाहत रखते हो तुम? रावण के 100,000 पुत्र थे। उन 100,000 पुत्रों ने रावण का कौन सा नाम रोशन कर दिया? मैं आपसे पूछता हूं, 100,000 बेटे भी रावण के खानदान का नाम रोशन नहीं कर पाए, और कौरव जैसे 100 बेटों ने मां बाप को कोई ऊंचा दर्जा नहीं दिया, क्या सोचते हो कि बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा? अरे रावण के बच्चे और कौरवों जैसे बेटों ने अपने वंश का नाम मिट्टी में मिला करके रख दिया, अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। कौरव जैसे 100 बेटे किसी काम के नहीं होते हैं, सीता जैसी एक बेटी 2 कुलों का नाम रोशन कर दिया करती है। विचार करिए आप, सीता जैसी एक बेटी काफी है। कौरव जैसे 100 बेटों ने कोई नाम रोशन नहीं किया, वंश चलाया सीता ने। विचार करिए, बेटा 1 कुल को रोशन करता है, बेटी 2 कुलों को रोशन करती है। पति का नाम भी रोशन करती है और पिता की खानदान का नाम भी रोशन। 1 बेटी काफी है, ये भ्रम निकाल दो। कभी कभी बेटियां वो काम करती हैं जो बेटे मिलकर के नहीं कर पाते हैं।
एक बेटी वह कर देती है जो 100 बेटे मिलके नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वंश चलाने के लिए अंश की जरूरत नहीं होती। महावीर की कितनी औलाद थी, बोलो? शादी नहीं की, औलाद कहां से होगी? विनोबा की कितनी औलाद थी, बोलो? स्वामी विवेकानंद की कितनी औलाद थी? एक भी औलाद नहीं। पारसनाथ की कितनी औलाद थी? आचार्य कुंद के कितने बेटे थे, बोलिए? आचार्य शांति सागर के कितने बेटे थे? कोई नहीं थे ना, इनके तो औलाद ही नहीं थी। इन लोगों ने तो विवाह ही नहीं किया। अब बताइए, रावण के 100,000 बेटे और महावीर का एक भी बेटा नहीं, बोलो किसका वंश जिंदा है? रावण के वंशज भी अपने आप को रावण वंशी कहने में शर्म महसूस करते हैं। और जिस महावीर की एक भी औलाद नहीं थी, पूरे जैन कहते हम महावीर के वंशज हैं, हम महावीर के वंश में पैदा हुए हैं। आप बताइए, औलाद से वंश नहीं चला करता है, ये गलत फहमी दिमाग से निकालो। यदि नाम को जिंदा रखना है, औलाद से नाम जिंदा नहीं रहता। नाम जिंदा तो चरित्र, त्याग और आदर्श से आदमी का नाम जिंदा।